तो गाइस आज आया था मैं काम करने, आज मैंने 9 घंटे काम करा केवल सिर्फ और सिर्फ ओला में। आज ओला ने दिल खुश कर दिया गाइस, इतना इंसेंटिव मेरे को दे दिया, इतना इंसेंटिव दे दिया, कुछ कहने को नहीं। आप लोग यकीन नहीं मानोगे, मैं घर चल के बताता हूँ। पहले तो आप पूरी वीडियो देख लो, मजा ना आए तब बताना भाई, ठीक है। आज अपना मिशन सक्सेसफुल हुआ ओला को लूटने का, और तुम्हारे भाई ने लूट लिया ओला को। आज आज तुम्हारे भाई ने ओला को एकदम खत्म कर दिया, लूट लिया, इस कदर लूटा कुछ कहने को नहीं। तुम्हारे भाई ने देखो आज इंसेंटिव कितने लिए, 120 रुपये का ये इंसेंटिव, 250 रुपये का ये इंसेंटिव मारा, 100 रुपये का ये इंसेंटिव मारा, कितने इंसेंटिव हो गए आप लोग खुद काउंट करो। बस अब मेरे को जाना है घर, अब मेरा काम हो चुका है, मेरे को काम नहीं करना है, केवल घर की एक राइड लगवा दो बस। जय जय राम सीताराम। और मेरा पोर्टर ने नकदम कर रखा भाई, देखो 3-6 मिनट का डिले लगा है, ऊपर से चूतिया रागी हो रही है, घसियारी मंडी खींच रहा है, मैं डेटा क्लियर कर चुका हूँ, हर चीज़ कर चुका हूँ, मैं खड़ा हूँ जनेश्वर को भाई, पागल हो गया हूँ भाई। अब ये बॉर्डर को बंद करके मुझे लग रहा घर जाना पड़ेगा, उल्टा सीधा खींचे डाल रहा भाई, अमीनाबाद जाने कहाँ कहाँ खींचे ले रहा, 7-7 किलोमीटर फर्स्ट माइल, हद है भाई हद है। हेलो गाइस, कैसे, उम्मीद करते हैं कि सब एक नंबर दो कौड़ी के हो। भैया देखो, आप लोग अगर परेशान हो यार, आप लोगों को कुछ ताने देता है कि आप बहुत लेट हो या अल्लाह से ये है वो है, तो आप लोग मेरी वीडियो दिखा दो उसको। तो देखो हम बोलते हैं कि सुबह जल्दी आके काम करेंगे, तो हमारी सुबह जल्दी कितने बजे होती देख लो भाई, 2 बज रहा है और आज 11 नवंबर है, दिन है सोमवार यानी मंडे का, और तुम्हारा भाई आ चुका है लॉग इन करके, एकदम तैयार हो गया, ओला पोर्टर और ये है उबर, तीनों में काम करेंगे। लेकिन पोर्टर की जो अवधि थी, जो मान सम्मान हम पहले पोर्टर का करा करते थे यहाँ पर, अब वो मान सम्मान यहाँ पर करेंगे, क्योंकि पोर्टर में अब ऑर्डर्स हो गए बहुत कम, और अब जो भी पहले बजेगा जिसका पे आउट अच्छा लगेगा, मतलब ओला का तो बहुत ही गंदा पे आउट हो रखा है, 5 रुपये किलोमीटर वाली भी राइड इसमें आती तो मैं वो नहीं उठाने के। ओला में कोई बढ़िया राइड आएगी या उबर में कोई अच्छी राइड आएगी, अच्छी क्या मतलब, मैं जानकीपुरम में आता हूँ तो बोलता हूँ हमेशा कि 100 से ऊपर मतलब 150-150 रुपये वाली राइड आएगी वही उठाएंगे, बट पोर्टर अगर यहाँ से 300 वाला अगर आप लोग भजवा दो तो फिर मज़े ही मज़े हैं। लेकिन ऐसा होगा कि नहीं होगा वो तो मालूम चलेगा वीडियो में आगे, तो देखते क्या होता है, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करने वाला हूँ मैं आपको, इसी के साथ साथ बाइक का मीटर दिखा दे रहा हूँ, बाइक मेरी एकदम फुल टास एकदम बेहतरीन चल रही है, बस सुबह स्टार्ट होने में बहुत दिक्कत हो रहा है, वो फ्यूल पंप का दिक्कत है, ठीक है। तो 41,165 हो रहा है, शाम तक कितनी चलेगी, कितने रुपये खा पी के बचा पाएंगे 11 बजे तक रात, वो तो बताएंगे वीडियो के आगे, मालूम चलेगा ना, हर चीज़ें मालूम चलेंगी, बस एक बार पोर्टर भजवा दूँ यहाँ से 350 रुपये का, जैसे ट्रांसपोर्ट नगर के आगे या अशियाना 250-300 का भजवा दो, तो पहली जो अपने समझ रहे ना, पहली ट्रिप एकदम मजबूत हो जाएगी, छीरम छाली हो भी जाएगी। चलो मिलते हैं जब कोई राइड आती है बढ़िया सी। 2000 years later यह पूरा 1 घंटा हो गया है, आर्डर क्या, राइड वाइड क्या, कुछ बज नहीं रहा है, इसमें समझ में नहीं आ रही है क्या करने का है। मेरे को छोटा सा काम आ गया था तो 4-5 किलोमीटर गाड़ी एक्स्ट्रा चलाया हूं। तो यहां से भाई काउंट करें 41,170 से, ठीक है। अब सीढ़ी आ रहा है कि बैक गेट पे, पहले फ्रंट गेट पे था, बैक गेट पे हूं। तो भाई अब मेरे से राइस नहीं हो रही है, जो बजेगा जैसा बजेगा उसको उठा लिया जाएगा, ठीक है। मतलब थोड़ा सा लंबा हो, 10-12 किलोमीटर का लगभग, क्योंकि शहर में जाएंगे तभी पोर्टर बजेगा, पोर्टर के भाव बढ़ गए हैं मेरे लग रहा, पोर्टर का दिमाग ख़राब हो गया भाई, पोर्टर बजाओ यार, पोर्टर उबर कोई तो बजाओ, मैं नहीं बताऊंगा। तो गाइस बहुत हुआ सम्मान, हमने कहा बहुत देर सम्मान कर लिया इनका, अब यहाँ पे ओला की एक फपोला पकड़ लिया, मतलब एक राइड पकड़ लिया, जो कि कस्टमर का नाम दिखाना ज़रूरी है, राहुल कुमार तिवारी। इनके से अगर कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल करें तो फिर आप लोग अपने अपने द्वारा जो भाव आपको प्रकट करना हो वो प्रकट कर सकते हो। इसका पिकअप 1.1 किलोमीटर है, इस राइड को लेके जाना है ड्रॉप करने 11.7 किलोमीटर, अरे हिंदी में बात करता हूँ यार, लगभग 12.25 किलोमीटर लेकर के जाना है इस राइड को, 85 रुपया दिखाई से हमको, बताओ ओला पैसा कम है कि ज़्यादा है, आप लोग कमेंट करके बताना, ज़्यादा तो खैर नहीं ही हो सकता है। और इनको चलते फटाफट से पिकअप करना है, ठीक है, सेक्टर 7 से पिकअप करना है, जानकीपुरम सेक्टर 7, ये AKTU देख लो भाई, फ्रंट गेट है वो, हाँ AKTU यूनिवर्सिटी, ठीक है मैं कन्फ्यूज जाता हूँ कभी कभी। 7/771, तो भैया इधर कोई मकान नंबर दिख नहीं रहा है, अब काम करो, जो लोकेशन डाली गलत डाली है क्या आपने, ये बताओ मेरे को आप, हैं? अगर सही लोकेशन है तो भाई सुनो, अगर आपकी लोकेशन सही है तो मैं लोकेशन पे खड़ा हूँ, आप भेज दीजिए किसी को जिसको भी जाना हो, बस हवा निकल गई। गाइस इन्होंने लोकेशन गलत डाल रखी है, ठीक है, केंद्र बिहार की लोकेशन डाल रखी है,
और बोला जा रहा है कि इधर नहीं उधर, उधर नहीं इधर। कस्टमर कह रहे लोकेशन सही पड़ी है, आप ही हैं, लोकेशन गलत डाल रखी है, देखिए आप लोग खुद ही देखिए। हैं पासवर्ड वो पूछिए, ओटीपी पासवर्ड तो उसमें पड़ेगा बैंक में, ओटीपी बताइए। 36 हाँ 36 76 सब 6 76 ना 76 बैठ जाइए सर जी। चलो भैया ये राइड अपनी पिकअप कर लिए और फुटपैक्स खोल देना, तो कस्टमर ढूंढ नहीं पाते फुटपैक्स। लेखराज डॉलर जाना है ना, ओहो लखनऊ भैया डॉलर की मार्केट है लेखराज डॉलर। तो ये 12 किलोमीटर का मैप खुल रहा है यहाँ से, 26 मिनट लगने वाले। चलते हैं फटाफट से ड्रॉप करने भैया को और मिलते हैं आपसे, ठीक है राइड कंप्लीट करने के बाद। ठीक ठीक धन्यवाद, नमस्कार बाबा जी। तो गाइज अभी माइक वाइक मैंने फिक्स कर लिया है, तो इस जो इससे पहले प्रीवियस राइड थी वो दिखेगा कि नहीं दिखेगा यहाँ पे? अभी भाई खोल के दिखाना पड़ेगा। चलो वो तो 20 रुपये की थी, छोड़ो उसको, हम इंसेंटिव दिखाते हैं आपको कि मैंने क्यों ओला प्रेफर किया है। क्योंकि अबे क्या दर्द है भाई, ओला ओला का डोला खुल जाओ और मार अब चट्टा अभी। अरे खुली हो? हाँ, तो मेरे पास इंसेंटिव के क्राइटेरिया मैं दिखा दे रहा हूँ क्या क्या है। एक तो नॉर्मल इंसेंटिव जो कि 4 राइड पर 20 रुपये मिलेगा, सभी को ये दिखता होगा 20 रुपये, और 10 राइड पर 70 रुपये, 15 राइड पर 120 रुपये। तो मतलब इसका जो मैक्स इंसेंटिव है 15 राइड पर 120 रुपये। देन मेरे पास एडिशनल इंसेंटिव यहाँ पर है, तो देखो एडिशनल भी 2 इंसेंटिव है मेरे पास। ये वीकली वाला छोड़ रहा हूँ, वीकली से कोई मतलब नहीं मेरे को 700 रुपये वाले से। तो ये देखो एडिशनल इंसेंटिव में क्या है, 6 राइड पर 100 रुपये मिलेगा। ठीक, अभी देखना यहाँ पर चेंज हो जाएगी वो भी, मतलब मैंने उसी का तुमको बेस पेस दिखाया आप लोगों को, अभी दिखा रहा हूँ 6 राइड पर 100 रुपये। और ये देखो 15 राइड पर 250 रुपये, तो मतलब 120 रुपये उधर से मिलेगा, 250 ये मिलेगा, 370 रुपये इंसेंटिव। अगर मैं आज 15 राइडें कंप्लीट कर लेता हूँ ओला की, तो टाइम तो मेरे पास खैर कम है, बट मैं पूरा एकदम 100% अब देने वाला हूँ ओला पे। 2 राइडें मैंने कर ली है, 13 राइडें मारनी है तुम्हारे भाई को, और इसमें बैटरी नहीं है। तो फटाफट से ये निकाला अपना यंत्र मैंने, बैग को बैग में रखा और फटाफट चार्जिंग करते, केवल आज ओला को धो डालेंगे भाई। 450 रुपये अगर इंसेंटिव मिल रहा है ओला में, तो फिर जलवे ही जलवे हैं अगर 15 राइड करवा दी इसने, इस ओला वाले ने। ठीक है, तो आप देखते हैं क्या हो पाता है। आप केवल ओला को मैं एक्सक्लूसिव करने वाला हूँ, पोटर पोटर से ज़्यादा तेल लेने मेरे को नहीं करना, केवल ओला मारूंगा, आप देखते क्या होता है। ठीक है, आज पूरी रात भर ओला, खट 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 खट, ये फंस गया सी है गाइज। ओला की आ रही थी लेटरिंग यानी पेचिस आ रही थी, तो हमने कहा भैया तुम पेचिस करके आओ। ठीक है, तब तक हमने क्या पकड़ लिया है, दिखा रहे मतलब गलत कुछ नहीं पकड़ा भाई, देखो पहली बात समझ लो। बहुत लोग पता है कमेंट करते क्या पकड़ लिया, फिर वो अपने हिसाब से बताते हैं। मेरी ओला की एक तो ऐप लेथनी है, वो रही देख रहे हो, अलग अलग तरह के प्रकार हो रहे हैं इसमें। देखो कैसे खुली, अब दिखा रहे हैं 102 रुपये का बड़ा भारी पोर्टर तुम्हारे भाई ने पकड़ लिया है, जो कि पिकअप करना ही है। लोकेशन नीचे खोल के रख लिया है, क्योंकि भाई फ़ोन अपने ऐसी तैसी करा रहा है, पता नहीं क्या ही हमने इसके साथ इसकी इज्जत इज्जत लूट ली है फ़ोन की, क्या कर लिया है कि वो अपने हिसाब से खुलता है। और अलग सर को करो भैया प्रणाम, अलग सर है ना ये भाई, माफ़ करना अगर कुछ गलत मैं प्रोनाउंस कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं। तो चलते फटाफट के अंदाज में इस स्पोर्टर को पिकअप करके डिलीवर कर रहे हैं, गोमती नगर जाना है लेकर के। और ओला खुला है, अगर ओला करा दे 13 राइड तो जलवे है, नहीं तो फिर जय जय राम सीताराम। तो गैस पहुँच गया हूँ कस्टमर लोकेशन, बस फ़ोन ऑन भी कर चुका हूँ, देखते हैं आइटम क्या जाना है लेकर के। अब इन्हीं में से कोई घर है, मैंने एक सिग्नेचर बता दिया है कि देखो भाई यहाँ पर खड़ा हो, जहाँ पर ये बरेठा प्रेस कर रहे हैं। तो आ रहे कस्टमर ने कहा ठीक है बिल्कुल तुम सही जगह खड़े हो। तो भैया ये आ गया है पोर्टर का हैरी, ऑर्डर लेकर के भाई अपना पोर्टर ना। अच्छा नगद धनराशि मिलती है, देखो दीमक लगे नोट मिल गए हैं, 1 2 3 4 5 102 रुपया जो हमारा बिल बन रहा है। लाइए सर क्या है, ये मंजन है। हाँ ठीक है, नंबर नंबर सब कुछ पड़ा है ना। ठीक है ठीक है, चलो भैया पिकअप हो चुका है, धनराशि नगद मिल गई है, दीमक लगे नोट मिले, लेकिन कोई बात नहीं। अबे 9 किलोमीटर खोल रहा है, 102 रुपये का ऑर्डर, 22 मिनट लगने वाला है, फटाफट के अंदाज में चलते हैं इनको डिलीवर करने। ठीक है भैया, इसे टंकी पर रख के ले जा रहा हूँ, बांधने बूंदने की ज़रूरत है नहीं, हट जाओ हट जाओ हट जाओ। ये दोनों रंगा बिल्ला बैठ के हुए हमारे बारे में कुछ चर्चा कर रहे हैं, और इनसे पूछते हैं कि क्या कर रहे हैं हमारे बारे में चर्चा। चलो इनके पास चलते हैं। हाँ उस्ताद जी क्या कह रहे हो, है कह रहा मजा ले रहे हो, मजा ले हो, मजा आ रहा है। अरे भाई ये लोग बड़ी देर से चर्चा कर रहे हैं हमारे इस माउंट पे कि क्या लगाए क्या नहीं लगाए।
क्या बातचीत कर रहे थे इसके बारे में? क्या कह रहे थे? कह रहे मोबाइल वाला चीज जो है तुम लगाओ बढ़िया है, बढ़िया है, मसाला साला ना खाया करो। अरे उसके दाती में जेब्रा क्रॉसिंग बनी है, उसको कितना मना करोगे? तो भैया फाइनली पहुंच चुकी कस्टमर की लोकेशन पे। ये है कोई हॉस्पिटल, कौन सा हॉस्पिटल है नाम लिखा है, डॉक्टर KNS मेमोरियल हॉस्पिटल लिखा है, और मैं पहुंच गया हूँ। ये इनका पार्सल है, देना है जो भी है, आ रहे हैं। कह रहे थे ऊपर आ जाओ, हमने कहा ना बाबा ना, ये रोड है हम इसको जानते हैं। आ रहे हैं फिर इसका मतलब वो कस्टमर, ठीक है। ये आए हैं भाई साहब लेने के लिए पोर्टर का ऑर्डर। आप ही हैं? किस नाम से? उमेश नहीं, कुछ और नाम था। चलो खैर, हैं हाँ हॉस्पिटल का नाम, ठीक है। चलो गाइस इस ट्रिप को करते हैं 5 स्टार डन, ठीक है। आपको कुछ नहीं मसला है तो इस ट्रिप पे मेरे को मिले हैं 86.70 रुपीज़, ठीक है, 70 रुपीज़। तो नेक्स्ट ट्रिप का वेट करता हूँ। गाइस मैं बोलता क्या हूँ कि ओला को करे, मतलब कि जो इंसेंटिव दे रहा है ला रवा करते, ओला वाले तो भाई बेहोश हो जाते हैं। उनको तो एकदम ऐसे लगता है कि पता नहीं क्या दिक्कत है क्या नहीं। 3 राइड कराई ने, 124 रुपये की अर्निंग कराई ने, उसके बाद से राइड नहीं दे रहे हैं। कुछ कुछ राइडें आती हैं उठती नहीं है, बड़ा दर्द है भाई। हमें नहीं लग रहा 15 राइड तो कैसे भी नहीं करा पाएंगे ये लोग। हम सोचते 10 राइड करवा दे, 7 राइड छोटी छोटी देते, फटाफट मार मूर ख़त्म करे, बट ऐसा नहीं हो पा रहा है, क्या करे। जनेश्वर के इस गेट पे हूँ, इस गेट पे भी कुछ नहीं हो रहा, जा रहे हैं जनेश्वर के 2 गेट पे, और मेरा पोर्टर ने नकदम कर रखा है भाई। देखो 3-6 का डिले लगा है, ऊपर से चूतिया रागी हो रही है, घसियारी मंडी खींच रहा है। मैं डेटा क्लियर कर चुका हूँ, हर चीज़ कर चुका हूँ, मैं खड़ा हूँ जनेश्वर को भाई, पागल हो गया हूँ भाई। अब ये बॉर्डर को बंद करके मैं, मुझे लग रहा है घर जाना पड़ेगा। उल्टा सीधा खींचे डाल रहा भाई, अमीनाबाद जाने कहाँ कहाँ खींचे ले रहा, 7-7 किलोमीटर फर्स्ट माइल, हद है भाई हद। ये भगवान क्या जुलुम है। बोला कि ये राइड पकड़ी है भाई, ये गू के माफिक पैसा है। 7 की लास्ट माइल है और 2 फर्स्ट माइल है 50 में। तो जा रहे भाई करने, क्योंकि यहाँ बैठे बैठे तो प्रताड़ित हो गए थे ना हम। हमने कहा चलो कुछ करते हैं, तो ओला की राइड करते हैं ये वाली। 9 जाना है, 50 टोटल। फ्यू मिनट्स लेटर राइड आप ही ने बुक करी, OTP बता दीजिएगा। 6082 ठीक है, 6082। एक सेकंड जरा स्टार्ट कर लूँ मैं, तब बैठ जाइए आप। अरे भाई क्या हो गया गाड़ी का, तो बैठ जाइए। चलो भाई ये जो ट्रिप है ये जा रही है मोहतरमा, ये मैंने 42 इस ट्रिप का लिया, श्वेता नाम जो भी था कस्टमर का, तो मैं दिखा रहा हूँ एक सेकंड। 11 ट्रिप तुम्हारे भाई ने खींच दी है भाई, टाइम चेक करो, 10 बजने वाला है, ठीक है, 9:51 हो रहा है, और 520 की अर्निंग हो गई है। मतलब 15 राइड पे वो था ना कितना, 250 एक इंसेंटिव मिलना था, 120 शायद इंसेंटिव और मिलना था। तो मैं भी भाई 4 राइडें अगर ये 2 में करा दे कंपनी, मैं छोटी छोटी राइडें उठा के कर रहा हूँ, तो मेरा इंसेंटिव आप लोगों को जितना बताया उतना आएगा, वरना मेरे को अभी इंसेंटिव यहाँ पे दिख भी नहीं रहा है भाई। मैं लिटरली पता है ये देखो दिखा, मेरा जो अभी तक का इंसेंटिव अचीव हो चुका, ये लो 30 की राइड आई भाई, उठो प्लीज़ उठो यार, अब 4 राइडें जल्दी जल्दी छोटी छोटी कर ले भाई, 3 की राइड है, उठ जाना। चलो उठ गए, ये कोई आकाश यादव जी हैं, इनको भाई पिकअप करता हूँ फटाफट से चल के। पता है क्या, आज मेरा मतलब शायद काफ़ी अरसे बाद मेरा ओला में 15 राइडों वाला सपना पूरा होएगा। भले ही अर्निंग नहीं हो रही, कोई दिक्कत नहीं है, बट 15 राइडें करनी, जो आ रही आड़ी तिरछी उसको उठा रहा हूँ। तो अभी तक मेरा इंसेंटिव अभी दिखाई नहीं पाया, राइड आ गई है, तो फटाफट चलते हैं पिकअप करने आज। लेकिन पोर्टर ने चलो बात जो भी बात की बातें वो बाद में, पहले 15 राइडें मारो भैया, फटाफट से डालें चले यहाँ से। हैं 4367 बैठ जाइए भैया। चलो 3 के 30 भाई लगे मिल रहे हैं, ओला इस समय पैसा सही दे। 3.5 हो गया, तो कहाँ जाना है? उसड़िया जाना है ना, बस समझ गया। उसड़िया इनको जल्दी से ड्रॉप करते हैं, इसके बाद मेरे को आई थिंक 11 राइड हो गई थी, ये 12 लगी है, 3 राइड और मारनी है, तो फटाफट चलते हैं भैया को ड्रॉप करने, टाइम भाई लिमिटेड है अपने पास। बाइक खड़ी है, ओके लो भाई ट्रिप फटाफट से करते हैं एंड। अभी एक राइड मैंने बैकग्राउंड में और पकड़ ली है, पता नहीं किसकी, 29 की है। अब भाई जल्दी जनरेट हो, काहे जल्दी से भाई फोड़ फाट डाले क्या इसको भाई, 30 भाई ऑनलाइन कर दीजिए आप, किसी में करना हो गया, इधर भी भैया हो गया 35 ले लिया और बहुत कम समय में, समझ रहे हो। अबे वो राइड गायब हो गई, आ गई विनीत खंड की राइड, उठाओ भावेश चंदेल को, यहीं कहाँ से पिकअप करना है।
चलो अगली बगल से पिकअप करना है, ज़्यादा दूर से पिकअप भी नहीं, 550 मीटर दूर से पिकअप है, पीछे चल के पिकअप करना है। फटाफट से चलते भाई, 29 रुपए की राइड है, कोई दिक्कत नहीं। डज नॉट मैटर, यानी डजेंट मैटर, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में यार, जो भी बोलते हो आज तुम्हारा भाई ओला के जितने इंसेंटिव हैं सब बोरी में भर के घर ले जाएगा, जितने भी इंसेंटिव हैं वो भी तुम्हारे भाई आज दिमाग खराब कर दी इसे कंपनी का, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। अभी चलो लूट के दिखाते हैं, इनको भी पिकअप करके छोड़ते हैं फिर दिखाते हैं। तो भैया जी को बैठाल के ले आए उनकी डेस्टिनेशन पे, आप पहुंच गए, बताना भैया किधर रुकना, रोक दें आगे। चलो भाई यहाँ पे रोकते हैं, और फिर से मैंने एक बैकग्राउंड पर राइड पकड़ ली है, वो 50 रुपए की है, 5.5 किलोमीटर जाना है। इनकी राइड की तो 34 रुपीज़ बना, ऑनलाइन पे करोगे ना भाई? चलो भाई पे कर दो, हो गया आपके एंड से ना। चलो भाई इधर भी हो गया, धन्यवाद मेरे भाई। 34 रुपए की राइड थी, और दूसरी राइड देखें वो है कि ख़त्म हो गई है, इस बार लग रहा कोई कैंसिल कर दी कस्टमर ने। हाँ भाई मैंने कंफर्म करी थी, पता नहीं वो आई कि नहीं आई, कहाँ गई। तो अभी तक 13 राइडें हो गई हैं, 578 रुपीज़ की अर्निंग हुई। अर्निंग से मतलब नहीं, बट मेरे को जो मेन काम करना है वो करना है इंसेंटिव पे। तो यहाँ पर 100 रुपये का एक इंसेंटिव पता नहीं कौन सा अचीव हो गया है, ठीक है। और कौन सा इंसेंटिव होता है यहाँ पर, तो 250 रुपये दिखा रहा था 15 राइडों पर, अच्छा ये भी दिखा रहा है 100 रुपये, मतलब मैं इंसेंटिव एक्स्ट्रा वाला अचीव कर चुका हूँ। और जो बेसिक इंसेंटिव में उसमें 70 रुपीज़ का इंसेंटिव अचीव कर चुका हूँ, मतलब 170 रुपये इंसेंटिव अचीव कर चुका हूँ। अभी मैं दो राइडें और मारूँगा तो मे बी जो भी इंसेंटिव आता है वही लगभग 450 रुपये जो सुबह काउंट करा रहा था आपको, वो हो सकता है। बस दो राइडों की दरकार है, अभी टाइम बहुत है। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट राइड पे। चलो भैया एक राइड अपनी और आ गई है, जिनको पिकअप कर लिया है बैठे हैं ये भाई साहब हमारे, देख लो इनको, दिख रहे हैं आपको पीछे बैठ गए हैं। अब चलना है इनको 4 किलोमीटर, पैर हटाना जरा सा एक मिनट भैया, स्टार्ट करके चलो। ये है राइड नंबर 14 अपनी, 14 का चांद दिख गया है जी भाई, बिल्कुल 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 सही बता रहे भैया, वही नाम हमारा है। और आपको फटाफट के अंदाज में पहुंचा दे, आराम से बैठे रहे ना भैया। फटी भैया सबकी है, नहीं भैया वो फटी एक अलग है। हाँ अगर हम पिताजी से बोलते पापा गाड़ी की, तो मेरे पापा देख इतने प्यार से बोलेंगे बेटा तुमको तो गाड़ी के साथ ड्राइवर भी चाहिए होता, और दे भी देंगे कब तुम लेके आओगे कोई भरोसा ही नहीं है। ये तो बात है, चलो फटाफट से पहुंचाते हैं इनको, ठीक है। चलो भाई पहुंच गए, अंदर चलना है, चलो चलो भैया। गोपाला अपार्टमेंट आ गए, बड़े मुद्दतों के बाद इधर आना हुआ हमारा, बताना भाई कहाँ पे रोक, यहीं रोक दे बस। चलो भाई यहाँ का भी एक हमारे साथ किस्सा है, वो आपको कभी बताएंगे किसी दिन वीडियो में। आपका जो बिल बना है देख रहे कितना बना, ऑनलाइन पे कर दीजिएगा भाई अगर हो तो, ना हो तो नगद कर दीजिए, कोई मसले मसाइल नहीं हमारे पास। ये 14 राइड अपनी कंप्लीट होने, 46 रुपीज़ इनका बना है अमाउंट। ओके भैया ने देखो 50 रुपये टिप दे दिया, बल्कि देख रहे हो भाई ये होता जुगाड़, जुगाड़ क्या जो भी कह लो, यहाँ पे कलेक्ट करने का टाइम आएगा। खैर पता है मैं बता रहा हूँ, ये थे ट्रांसजेंडर आई थिंक सो, या फिर ये मतलब पहली बार ऐसा हुआ है। ठीक है भाई, ओके भाई। ये वो ट्रांसजेंडर या क्या बोलते हैं यार, अरे थर्ड कुछ तो बोलते भाई, मेरे को आइडिया नहीं आ रहा, बस समझ लो अगर शुद्ध भाषा में कहें तो ये हिजड़े थे, सीधी सी बात है। ठीक है, और अभी तुम्हारे भाई की 14 राइड हो गई, बस एक राइड कम है तुम्हारे भाई की जो सारे इंसेंटिव आ जाएंगे। तो अभी ये जो गोपाला अपार्टमेंट है यहाँ से बहुत सी मेमोरीज़ हैं मेरी, और ये अपार्टमेंट की जो बिल्डिंगें देख रहे हो ना, एक टाइम हमने ऐसी हरकत करी थी, चलो आज बता ही देता हूँ, बचपन की बात बता रहा हूँ मैं अपने बहुत छोटे भर की बात, कि यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर हुआ करता था आई थिंक सो, ये है देखो गाइस, ये सामने ट्रांसफार्मर देख रहे हो, और अभी दिख ही नहीं रहा होगा यार आप लोग को, तो अब देखो ये सामने ट्रांसफार्मर है, ये बाउंड्री वॉल है, ये इसके पीछे मेरा स्कूल था सरस्वती विद्यालय स्कूल, सरस्वती विद्यालय कन्या इंटर कॉलेज। तो मैं उधर से फांद के एक बार इसमें कूद गया था, और इसमें पूरे में करंट चल रहा था भाई, यहाँ जितने भी अपार्टमेंट के लोग हैं ना। अब चलो मैं तो वो तो अब वॉइस ओवर करके मतलब उससे बता दूंगा, और चलते चलते कि यहाँ पर मैं कूद गया था किसके चक्कर से, बॉल उठाने के चक्कर से, क्रिकेट वाली बॉल, और पूरे ट्रांसफार्मर में था करंट। अब मेरे को ना यहाँ के गार्ड टच करें ना, मतलब बाहर निकालने के लिए भी किसी ने जद्दोजहद नहीं करी भाई, मैं बहुत छोटा था और छोटे पर इतनी हराई पना करा, और जितने भी अपार्टमेंट के लोग हैं बालकनी वालकनी में सब अपनी अपनी खिड़कियों से बाहर निकल के देख रहे, ये लड़का तो आज मर गया भाई, ये लड़का मर गया आज, मतलब लिटरली कोई भी छूने को मेरे को तैयार नहीं था, कोई बाहर निकालने को तैयार नहीं था,
और इतनी भाई मेरी लपाके ले, और मैं मतलब उतना डर उतना फील नहीं हो रहा, लेकिन लोग जब इतने इकट्ठा हो गए तब मेरी लपाके लेने लगी। हमने कहा आज तो मर गया भाई, आज चेतन बच नहीं पाएंगे किसी भी कीमत पे, और ख़त्म ही है। ये है मेरे स्कूल की, मेरे सबसे पहले की जो कक्षा एक से पाँच तक मैंने पढ़ा है वो स्कूल ये है। ये आपको रात में अजीब सा दिख रहा होगा, मैं दिखा दे रहा हूँ। मैंने कहा था इसके ऊपर कुछ ना कुछ प्रॉपर वीडियोज़ वगैरह बनाएंगे। ये है सरस्वती विद्यालय कन्या इंटर कॉलेज, ये अभी तो 12th तक कर दिया है, लेकिन लड़कियों के लिए है, और लड़कों के लिए 5th क्लास तक था, मतलब बच्चों के लिए है। ये मेरा नरही, मेरा होम टाउन है, और इस पार्क में तुम्हारे भाई ने बहुत से खेले हैं, कंचे, और ये जो देख रहे हो ये ट्यूबवेल टाइप का, इसमें इसके मेरे पीछे हौदिया टाइप की बनी थी, उसमें नहाते थे। मेरा घर घर तो खैर एग्जैक्ट नहीं दिखा सकता मैं आपको, ठीक है, जो मेरा पुराना घर है बस इसी लाइन में, बस इसी के आसपास ही, ये बहुत क्लोज है, ये समझ लो मोटा मोटी, ठीक है। तो इन सब से मेरी बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं, और ये चौराहे से भी मेरी बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं, और यहाँ से ये घर से और यहाँ पे ये वो एरिया होता था। एक बार आपको और किस्सा और बताओ कि मैं ये जो ये एरिया देख रहे हो, एक सेकंड 1x पे कर लूँ फिर दिखाता हूँ आपको, ये जो एरिया देख रहे हो जहाँ पे कारें खड़ी हैं, ये मैं यहाँ से खड़े होकर पतंग उड़ाता था, वो ऊपर देख रहे हो ऊपर जगह, अरे यार गर्दन घुमानी पड़ेगी, रुको, वो जो जगह देख रहे हो ये ऊपर, ये यहाँ से पतंग उड़ती थी हमारी, और मैं क्या करता था साइकिल खड़ी करके यहाँ पे पतंग उड़ाता था। तो मेरी साइकिल हो गई एक बार चोरी, अब भाई घर पे पिलैया मेरी हो गई एकदम कायदे की, बहुत बहुत मतलब, अबे भाई इन सब पे चलो बाद में बताएंगे, प्रॉपर एकदम वीडियोस बनाएंगे भाई। जब यहाँ आते तो मेरे वो सब रिकॉल होने लगती है। और ये म्यूनसिपैलिटी का स्कूल है, सरकारी स्कूल, अबे इसके बगल में तो टूट गया, मैंने सोचा था कि बनाऊंगा वीडियो, अरे यार इसके बगल में एक स्कूल था उसको तोड़ दिया गया लग रहा। ये पोटर बजरा कोई 100 रुपये का, शादाब कॉलोनी महानगर का है, अब पिकअप कहाँ से, डालीबाग से पिकअप करना है बटलर कॉलोनी से। अबे भाई टूट गया यार, देखे चल के, चलो चलो देख ले रहे भाई, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये बाउंड्री, हाँ किसी ने संबंध कर दिया, चलो ये बाउंड्री वॉल है, यहाँ पर भी एक स्कूल होता था, राजकीय बोलते थे उस स्कूल को, अब बताओ सब तोड़ दिया यार, तो गड़बड़ हो गया मामला भाई। हम पहले 15वीं राइड कर रहे हैं, फिर ये सब बताएंगे, सब तुम किसी और वीडियो में कवर करेंगे भाई, ठीक है। तो ये सिविल पे आए थे, सिविल पे यहाँ चाय वाय पिया, चाय तो बढ़िया मज़ा आ गया, और ये 15वीं राइड भी आ गई है, चौक लेके जाना है, ये पता नहीं 35-35 रुपये में 5 किलोमीटर, कुछ नहीं अब वो तो गया, हम नहीं ले जा, अबे रहन राइड लग गए, अबे भैया अबे देख रहे हो भाई, ये लोग चाय के पैसे ही से नहीं लेते हैं, इतने ईमानदार है, आप लोग भी आओ सब लोग चाय पियो इनके दुकान पे, पैसे ही से नहीं लेते ये किसी से भी, चाह रहे हैं, ठीक है भाई चलो यार। अब हजरतगंज के आगे से कहीं से पिकअप करना है इनको, चौक जाना था, कुछ सा तफरील है, अरे किधर जा रहे हो दांत निकाल दिल लौंडा, अब तुमसे कुछ कहेगा लेकिन कुछ कही नहीं, फटाफट से पिकअप करो भैया 15वीं राइड, ये 15वीं राइड नहीं है, ये ओला के सारे इंसेंटिव हैं, समझो बात को, नहीं समझोगे, अभी दिखाते हैं इस राइड को कंप्लीट करने के बाद। ये बाबूराव का स्टाइल है, तू ले। हमारे हजरतगंज की भाई खूबसूरती देखो, कस्टमर फोन नहीं उठा रहा है, देखो भाई है क्या ही मजे है, कहाँ गई लोकेशन, कस्टमर यार स्विच ऑफ करे फोन है भाई, लोग राइड कैंसिल कर दी भाई, कस्टमर देख रहे हो, अब गाली बक्कू मैं इन लोगों को क्या करूं, गाली बक्कू बताओ आप लोग भाई। रॉयल कैफे में आ गए हो, ठीक है अब मैं यहीं पर रुकूंगा, कस्टमर का सुअर पना देख रहे हो भाई, जान मुझ के मतलब कितना आ गया हूँ कि नहीं लोकेशन पे, मत करा करो यार प्लीज़, ऐसा मत करा करो भाई, 7 रुपये चलो कैंसिलेशन के मेरे को मिल गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हद है यार, फ़ोन काटो इसका, दिमाग ख़राब कर दी इस कस्टमर भाई, तुमसे ना हो पाएगा। गाइस खैर आ गई है राइड, एक उसको पिकअप करने जा रहा हूँ, मैंने कस्टमर से बोल दिया कि देखो मैं आ तो रहा हूँ लेकिन कैंसिल मत करना, अगर इस बार कस्टमर ने कैंसिल कर दी तो फिर दिमाग हो जाएगा मेरा ख़राब भाई। यार चौक की राइड है, एक तो मैंने गलत राइड उठाई है, ठीक है, और चौक जाना है केवल किस लिए कि भाई मेरी 15वीं राइड कम्प्लीट हो जाए, बट ये कस्टमर क्या कर रहे हैं, राइड बुक करके जैसे उनके पास पहुँचता हूँ कैंसिल कर देते हैं, ये भी कोई बात हुई आप बताओ है? चलो खैर पहुँच रहे हैं कस्टमर की लोकेशन पे, अगर इन्होंने कैंसिल ना करी तो अपना
इंसेंटिव जो है इसी राइड में पूरा हो जाएगा। फटाफट से आ ही गए हैं, देख लो भाई हर जगह इनके माहौल देख लो हमारा, रात में रौनक यहाँ पे अलग ही होती है, कुछ भी कहो भाई। खैर उन्होंने कैंसिल नहीं करी और मैं पहुँच भी गया इनके पास टाइम टू टाइम। आप नहीं बुक करी है? अच्छा OTP बता देना भैया। इससे पहले क्या हो रहा ना, जा रहा हूँ पहुँचने से पहले, हाँ OTP बता दी भैया। 6715 बड़ी काली जी का मंदिर जाना ना चौक में, ठीक है एक मिनट स्टार्ट कर लूँगा। इसे कंफर्म करना जरूरी था भाई, नहीं हम कैंसिल नहीं करते, परेशान नहीं करते किसी को, चाहे 5 मिनट लगे चाहे 10 मिनट लगे आती वही है। ठीक है ओके शुक्रिया भैया। 6.2 किलोमीटर दिखा रहा है, चलो खैर इतना होगा नहीं वैसे, अब जो दिखा रहा है उसी से चलते हैं, 15 मिनट लगने। ठीक है भाई साइड में रोक लो। आपका 47 ऑनलाइन करेंगे? ठीक है ठीक है ओके वेलकम वेलकम। ठीक है ठीक है चलो भाई अपनी लास्ट जो 15वीं राइड थी इंसेंटिव के लिए वो फाइनली कंप्लीट हो गई। अरे ये पोर्टर नहीं उठाएंगे पहले ये देखो। मैम अभी तक हुआ नहीं? अबे वो तो चली गई यार, वो तो उन्होंने पे करके, इसमें तो यार हुआ नहीं पहले, देखे पोर्टर कहाँ का, घर की तरफ का बजरा उठा लेंगे। कमला नेहरू मार्ग ठाकुरगंज दौलतगंज नहीं उठाने, हटो यार तुम। यार मैडम ने पे कर दिया, इधर हुआ नहीं, अभी मैं कलेक्ट कैश करने जा रहा था। ओ यार कैसे, तो चली गई मैडम। अबे यार ये कैसे हो गया यार, उन्होंने दिखाया भाई देखो आपके सामने दिखाया, विस्टेक हो गया पेमेंट। यार एक सेकंड रुको, हो गया चलो फाइनली हो गया। तो भाई ये 15वीं राइड तुम्हारे भाई की कंप्लीट हो गई, और तो और सारे इंसेंटिव तुम्हारे भाई ने कर ली हैं अचीव, सारे इंसेंटिव गाइस। 15 राइड पूरी देख लो, देखो अबे हटो यार पोर्टर, तुम्हारा आज पोर्टर का दिन नहीं है, पोर्टर में आज पूरे दिन मेरा डिले चलता रहा, देखो 383 मिनट दिखा रहा है, दिखाते रहो। तो 15 राइड कंप्लीट, 669 रुपये की अर्निंग हो गई तुम्हारे भाई की सिर्फ और सिर्फ ओला में। और अभी इंसेंटिव देखोगे तो तुम मजे ही मजे, तुम्हारे भाई ने सारे इंसेंटिव तोड़ दिए हैं, सारे, एक इंसेंटिव नहीं तुम्हारे भाई को मिल रहा था। देखो गाइस कितने सारे इंसेंटिव तुम्हारे भाई को मिल रहे थे आज, कितने सारे, मतलब 120 रुपये ये इंसेंटिव, 100 रुपये ये इंसेंटिव, और ये मड़ियाँ कहाँ का है, घसियारी मंडी अमीनाबाद नहीं उठाएंगे, अबे हट जा। तुम्हारे भाई ने देखो आज इंसेंटिव कितने लिए, 120 रुपये का ये इंसेंटिव, 250 रुपये का ये इंसेंटिव मारा, 100 रुपये का ये इंसेंटिव मारा, कितने इंसेंटिव हो गए आप लोग खुद काउंट करो। बस अब मेरे को जाना है घर, अब मेरा काम हो चुका है, मेरे को काम नहीं करना है, केवल घर की एक राइड लगवा दो बस, जय जय राम सीताराम। अब निकलते हैं यहाँ से घर की तरफ। आज अपना मिशन सक्सेसफुल हुआ ओला को लूटने का, और तुम्हारे भाई ने लूट लिया है ओला को आज, आज तुम्हारे भाई ने ओला को एकदम ख़त्म कर दिया, लूट लिया, इस कदर लूटा कुछ कहने को नहीं, काम करा जरा सा और रुपया कमाया बोरी भर के बरा बरा सा। तो गाइस आज आया था मैं काम करने, आज मैंने 9 घंटे काम करा केवल सिर्फ और सिर्फ ओला में, आज ओला ने दिल खुश कर दिया गाइस, इतना इंसेंटिव मेरे को दे दिया, इतना इंसेंटिव दे दिया कुछ कहने को नहीं, आप लोग यकीन नहीं मानोगे, मैं घर चल के बताता हूँ, पहले तो आप पूरी वीडियो देख लो, मज़ा ना आए तब बताना भाई, ठीक है बाकी तो चीज़ें देखोगे। तुम्हारा भाई झूठ बोलता नहीं कभी, जो चीज़ एक्चुअल में वही बताता, कोई क्लिक बेट या ये सब तरह की बीसी नहीं करता तुम्हारा भाई, जो कुछ है वही दिखाएगा। ठीक है तो मिलते हैं आप लोगों से घर पे अब। हाँ तो भैया जी आ चुके हैं घर पे, एकदम खा पी के एकदम फिटम फिट हो गए आज अर्निंग करने में, और थोड़ा सा मतलब घर आते आते लेट हो गए काफ़ी, मैं 1-1 बजे घर के लगभग पहुँचा हूँ, ठीक एक हाँ 1 बजे मतलब 1:45 ही हुआ था पहुँच गया था, तो अभी खा पी के एकदम भाई अभी लगभग 1.5 से 2 हो रहा होगा मैं जब ये आउटरो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आज की जो अर्निंग है भाई चुम्बेश्वरी अर्निंग, मतलब वैसी अर्निंग नहीं, कोई बहुत ज़्यादा अर्निंग नहीं मैंने कर दी, बट अपन 2 बजे से रात के लगभग 12:30 तो मान लो, तो आप 10 घंटे 10.5 घंटे की जो अर्निंग है मैं डिस्प्ले करा दे रहा हूँ आपको। सबसे पहले देखो ओला में मेरी बहुत बहुत मुद्दतों के बाद 15 राइडें हुई हैं, मैंने कहा छोटी बड़ी जो भी है उठा लो, उठाने के बाद 15 राइडों में मेरा 676 रुपये की जो अर्निंग है वो यहाँ पर कहीं पर डिस्प्ले हो जाएगी आपको, ठीक है। और ये तो केवल अर्निंग थी, तो आप लोग खुद ही समझ रहे हो कि 15 राइड किसी ने मारी 676 रुपये की अर्निंग हुई, तो कोई खास अर्निंग नहीं हुई, बेकार अर्निंग हुई तरीके से। लेकिन लेकिन तुम्हारे भाई को आज इंसेंटिव ओला ने पता है 1 नहीं 2 नहीं 3 इंसेंटिव दिए हैं आपको, इंसेंटिव भी यहाँ कहीं पर डिस्प्ले हो जाएंगे, 470 रुपये का इंसेंटिव आएगा, वो तो खैर
कल मालूम चलेगा कि कंपनी 470 देगी या नहीं देगी। मेरे को डिस्प्ले हो रहा है तो मैं उसी को काउंट कर रहा हूँ, ठीक है। और मैंने क्या कर रखा, हाँ केवल पोर्टर किया था, पोर्टर में भी मारा था 200 कितने रुपए के, हाँ 234 रुपए के मैंने पोर्टर में भी अर्निंग करी है, ठीक है। और मैंने एक राइड बताया था जो थर्ड जेंडर थे जिन्होंने मतलब मेरे को पैसे दिए थे राइड के, एक्स्ट्रा 55 रुपए उस राइड उस ट्रिप पे एक्स्ट्रा मिला था। और जो मैंने पहली ट्रिप करी थी ओला में 35 रुपए वो एक्स्ट्रा मिला था। वो सब यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए, मैंने कैलकुलेट कर रखा है। और उसी के साथ साथ 12 बजे के बाद मैंने 2 राइडें और मारी थी जो कि दूसरे दिन में काउंट हुई हैं, वो भी आगे यहीं पे डिस्प्ले करा दूंगा आप लोगों को ओला में। तो उसकी भी अर्निंग 120 रुपए की अर्निंग है। तो मैंने जो ग्रांड टोटल पूरा कर रखा है, ग्रांड टोटल में आ रहा है 1590, मतलब 1590 1600 रुपए की अर्निंग। बुरी नहीं भाई, 10.5 घंटे में आप लोग कमेंट करके बताना बुरी है या मतलब ठीक है। 10.5 घंटे के हिसाब से मेरे को तो भाई बिल्कुल परफेक्ट लग रही है, बिल्कुल एकदम कोई शिकायत वाली अर्निंग नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं आज की अर्निंग में। और जो बाइक चली है, बाइक मेरी चली 132 किलोमीटर चली है बाइक, तो इसके हिसाब से अगर पेट्रोल मेरा लगेगा लगभग 250 रुपए का पेट्रोल मेरा गया है, तो 250 अगर इसमें से हटा देते हो लगभग 1600, मतलब माइनस 250 करते हैं तो 1600 में तो आप ये समझ लो कि 1350-1400 रुपये जो भी है 1350 रुपया खा पी करके बच गया है। तो बुरा नहीं है भाई हमारे हिसाब से 10 घंटे में। बाकी इस वीडियो में पहले कोशिश मैंने ये करी कि भाई आज ओला में काम करेंगे, ओला ने राइड नहीं दी तो मैंने 1-2 पोर्टर मारे। फिर उसके बाद जब ओला में राइड, हमने कहा चलो संयम रखते हैं अब आएगी राइड। जब वो राइड आती रही तो मैंने कहा करते रहो, रिकॉर्ड नहीं कर पाया माफ करना बाकी, लेकिन आज मजा आया ओला में काम करके, दिल खुश कर दिया ओला ने भाई। अगर ये इंसेंटिव कल भी मिलेगा तो फिर कल भी छीलने वाला हूँ बाकी। तो मैं ओला तो छूता नहीं, जानते हो जिस तरह के पे आउट दे रही, 5-5, 6-6 रुपए किलोमीटर करके भी दे देती है। और चलो जो कुछ है वो कल की कल देखी जाएगी। और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो, जरा सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, मैं जो प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ और उसका प्रोडक्ट का मैंने दिखना ही कहीं पर आपको विजिबल भी हो रहा होगा पूरी वीडियो में, कि आप कुछ भी लेना चाहते हो जैसे पावर बैंक हो गया, मेरा हेलमेट है मेरे जैसा, वो भी आप परचेस कर सकते हो। मैंने लिंक ऑलरेडी दे रखा है प्रोडक्ट का, ठीक है, वो मैंने अटैच कर दिया वीडियो में, आप लोग टैप करके 1 टैप पे इजीली ले सकते हो, ठीक है। और तो अपना ख्याल रखना, अपने माँ बाप का ख्याल रखना, और जय हिंद जय भारत। मेरी एक एडवाइस से कभी ना हाथ छोड़ना, मंजिल को पास रख तू से वास्ता ना तोड़ना, लास्ट तक ये खास कर तू रास्ता ना छोड़ना, सपने होंगे वास्तव सिर्फ आज का ना सोचना।